हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड से मास्टर्स और ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट कैसे बनाएं और फॉर्मेट क्या है और कैसे कैसे क्या करना है, मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। डिटेल्स बताने से पहले मैं प्रोग्राम गाइड दिखा देना चाहता हूँ कि असाइनमेंट कितने मार्क्स के हैं और कितने पेपर्स हैं। तो मैं ये असाइनमेंट एमए का बता रहा हूँ, एमए हिस्ट्री के लिए। एमए हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में 5 पेपर हैं, 5 पेपर पर पेपर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, एक पेपर में 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि 30 मार्क्स के हैं। तो टोटल आपको 5 पेपर में 15 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको 150 नंबर के होंगे। सो आप केयरफुली असाइनमेंट अपना बनाना, क्योंकि भैया 150 नंबर के हैं, 150 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आइए बुकलेट देखते हैं। बुकलेट जो ये बुकलेट देख रहे हैं, ये आप लोग भी देखे होंगे और किस तरह से इसको करना है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इस बुकलेट में एक प्रॉब्लम ये है कि इस बुकलेट में जो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है असाइनमेंट का, हेडिंग बहुत कम कम पेज का है और ये हेडिंग आपको 8 पेपर तक दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग को बस 5 ही पेपर के असाइनमेंट बनाने हैं तो 8 पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी पेपर हैं जो हेडिंग दिए हुए हैं इसको हम कलर कर देंगे। कैसे कलर करेंगे हम आगे दिखाते हैं असाइनमेंट में। चलिए, ये असाइनमेंट फॉर पेपर फर्स्ट पेपर का हम असाइनमेंट बनाए हैं और उसमें हम को 3 क्वेश्चन लिखना है पेपर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख दिए और ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था असाइनमेंट फॉर पेपर 2, और लेकिन ये असाइनमेंट पेपर 1 का ही है, यहाँ पे हेडिंग पहले से दिया हुआ था पेपर 2। तो आप क्या करना है, इसके लिए कन्फ्यूज मत होना, इसको आप बिल्कुल कलर कर सकती हो, क्योंकि टीचर को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है या पेपर 2 का क्वेश्चन है। सो इसको आप कलर कर देंगे और आगे इसी तरह से करते चले जाएंगे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हैंडराइटिंग भैया बहुत बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको असाइनमेंट में हैंडराइटिंग के ही मार्क्स मिलते हैं। और रही बात क्वेश्चन और आंसर की, तो आंसर तो सब कोई ढूंढ के बुक से ही लिखते हैं, कोई इंटरनेट यूज़ करके लिखता है, कोई तो अपने मन से नहीं लिखता। सो भैया हैंडराइटिंग पे केयरफुली ध्यान देना, हैंडराइटिंग बेस्ट होनी चाहिए तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सो और आते हैं ये 3 का क्वेश्चन बी, असाइनमेंट फर्स्ट ही चल रहा है, आगे आइए। अब यहाँ से जैसे हेडिंग, यहाँ से हम सेकेंड पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड पेपर में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था हेडिंग, सो आप अपने से यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर सकते हो और जो सेकेंड पेपर का नाम है उसको आप यहाँ पे हेडिंग दे के नाम लिख देना और MAS2 करके आप मेंशन कर देना कि पेपर 2 हम कर रहे हैं। और बढ़िया खूबसूरत हैंडराइटिंग में आप असाइनमेंट अपना लिखोगे कि मार्क्स अच्छा गेन कर सकें। इस तरह से आप असाइनमेंट कर सकते हैं, बाकी का असाइनमेंट सारे पेपर आप इसी तरह से करते चले जाइएगा, आप असाइनमेंट में अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। ये आपका मतलब एक असाइनमेंट का मैं मॉड्यूल दिखा दिया हूँ, इस तरह से आप असाइनमेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे असाइनमेंट फॉर पेपर 3, या मैं खुद से हेडिंग बनाया हूँ, इस तरह से आप भी हेडिंग बना सकते हैं और इस तरह से अपना असाइनमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर लीजिएगा और 150 नंबर के हैं। सो केयरफुली ध्यान दीजिए कि हैंडराइटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। एक चीज़ फोकस करनी है कि हैंडराइटिंग आपको बेस्ट लिखनी है, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखनी है। सो थैंक यू, कीप लविंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड विजिट वंस अगेन इन माई चैनल।